चलो तो शुरू करते हैं आज मैथ्स का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उससे पहले आप समझिए इनवर्स फंक्शन क्या है। इनवर्स हम कब निकाल पाते हैं? इनवर्स पढ़े हो अभी तुम लोग पिछले चैप्टर में, जो वन वन प्लस ऑन टू, जो वन वन और ऑन टू दोनों हो उसको क्या बोलेंगे? वो इन्वर्टिबल रहेगा, तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, सबका इन्वर्स, जरूरी नहीं कि सबका इन्वर्स निकल जाए, तो वो इन्वर्टिबल है या नहीं, उसका इन्वर्स निकल सकता है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? वो वन वन भी रहे और प्लस साथ में ऑन टू भी रहे। तो चलो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर रहे हैं, तो साइन को लेके चलते हैं। पहले देखते हैं साइन इन्वर्टिबल है या नहीं, वन वन ऑन टू है कि नहीं। तो साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, या हाँ ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ले लो। क्लास 11th में तुम लोग पढ़े ही होगे, पढ़ाया था तुम लोग को क्लास 11th में, रेंज डोमेन ये सब तो जानते ही हो। तो इसका रेंज क्या क्या हो सकता है, पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा? एक्स की वैल्यू जो हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, मतलब बोल सकते हैं हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और रेंज क्या होगा? रेंज मतलब आंसर क्या आएगा, तो वो तो फिक्स है कि माइनस वन से वन ही आने वाला है। ठीक है, ये साइन एक्स है। अब साइन एक्स चेक करते हैं इन्वर्टिबल है कि नहीं। उसके लिए याद करो तुम लोग ग्राफ पढ़ाया था, बोला था इंपॉर्टेंट है, चैप्टर को समझने के लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोग इसमें फॉर्मूला रट के चले जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन घुमा के दे देगा तो रटा हुआ आदमी नहीं बना पाएगा। इसीलिए अच्छे से समझो, इस चैप्टर को फील करो। तो चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। हम लोग यहां ले लेते हैं सारे एंगल्स को एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं ये हमारा रेंज। तो जैसे ये क्या है, वन है, ये माइनस वन, वन से माइनस वन। अब ग्राफ कैसे बताएंगे बनाएंगे? तो हमारे पास पॉइंट्स है, उसको प्लॉट करते हैं। पॉइंट को सबसे पहले इसमें वैल्यू लिख लिए, अब यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं। यहाँ एंगल कितना होगा? पाई बाय टू। ये कितना होगा? पाई। ये कितना होगा? थ्री पाई बाय टू, और ये 2 पाई। ऐसे ही आगे जाता जाएगा, कहां तक? इन्फिनिटी तक जाएगा। माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, और ये -2 पाई। ठीक है, साइन, अब हम पॉइंट कैसे हमको मिलेगा? साइन जीरो मतलब एंगल हम जीरो रखेंगे, साइन में एक्स जीरो रखेंगे, तो आंसर कितना आएगा? साइन जीरो जीरो आएगा, एक पॉइंट हमको यहां मिल गया। ठीक है, फिर साइन पाई बाई टू, जब एंगल हम पाई बाई टू में रखेंगे तो आंसर कितना आता है? वन आता है, ये आ गया, दूसरा पॉइंट मिला। तीसरा, साइन पाई कितना होता है? साइन पाई रखोगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो। समझ रहे हो ना, एक्स की वैल्यू है ये वाई की वैल्यू है। एक्स हम लोगों ने कितना पुट किया? एक्स पुट किया पाई, तो आंसर कितना आया? जीरो। तो यहीं पर रख दिया इस पे। फिर सिमिलरली वैसे ही 3 पाई बाई टू पे देखो, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, 2 पाई पे जीरो। आइए आप यहाँ पे कितना होगा? माइनस पाई बाई टू पे कितना होता है? -1। ठीक है, माइनस पाई पे फिर जीरो, फिर उसके बाद -3 पाई बाई टू पे वन हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो। तो ऐसे अब इसको मिला दो, ये ऐसा जाता जाएगा। ठीक है, तो अब हमको देखना ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो इन्वर्टिकल इन्वर्टिबल है कि नहीं देखने के लिए हमको क्या समझना होगा कि ये वन वन ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो वन वन देखा जाए, वन वन है कि नहीं। तो यहां वन वन कब होता है? जब सबका एक अलग अलग हो आंसर, वही तभी होता है ना वन वन। हाँ देखो, यहां मान लो पाई बाई टू पे कितना है? वन आ रहा है। ठीक है, तो किसी -3 पाई बाई टू पे भी तो वन आ रहा है, मतलब ये
वन वन नहीं है, ऑन्टो है कि नहीं, ऑन्टो है। देखो हर एंगल के लिए कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसके लिए हमको कहीं आंसर नहीं मिल रहा, जैसे जीरो के लिए भी मिल रहा है, इसके लिए भी यहाँ, इसके लिए यहाँ, पाई बाई टू के लिए यहाँ, वो रिपीट हो जाए जो भी हो, ऑन्टो है, मतलब हर एक पॉइंट के लिए एक हमारा यूनिक आंसर है। तो ये वन वन तो नहीं है लेकिन ऑन्टो है, वन वन नहीं है लेकिन ऑन्टो है। तो ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि जो वन वन ऑन्टो दोनों होगा, जो बाइजेक्शन होगा, जो दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन। जो वन वन ऑन्टो दोनों होगा, जो बाइजेक्शन होगा वही इन्वर्टिबल है। तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, तो अब हम लोग इसको इन्वर्टिबल बनाएंगे, ना साइन इन्वर्टिबल है ना कॉस है, कोई नहीं, लेकिन हम इसको इन्वर्टिबल बनाते हैं। तो इसको देखो इन्वर्टिबल हम लोग कैसे बनाएंगे, ये चीज समझो। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर हम इसमें से कोई एक पार्ट ले लें, जैसे हम ले लेते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बस इतना ले लेते हैं, या हम इतना भी ले सकते थे या इतना भी ले सकते, एक हम पार्ट ले रहे हैं, जो भी एक क्या बोले जाए, पार्ट ले रहे हैं या एक सेट ले रहे हैं कि कहां से कहां तक। जैसे हम यहां क्या सेट लिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में देखो हम लोग ऑन्टो तो पहले ही दिखा चुके हैं, ऑन्टो है, वन वन भी है ये, ठीक है। वन वन कैसे है, सबका, जैसे यहां पे माइनस वन है, यहां पे वन है, किसी पे भी वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, किसी भी एंगल पे वैल्यू रिपीट नहीं होगी, जैसे पहले रिपीट नहीं होगी, मतलब जैसे पहले यहाँ पाई बाई टू पे वन आ गया तो थ्री पाई बाई टू पे भी वन आ गया, तो ये वन वन नहीं था, मेनी वन हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर बस हम इतना ले लेते हैं, यहां से यहां तक बस हम सेट ले, इतना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ले, तो कितना होगा, क्या होगा फिर, वन वन होगा कि नहीं होगा, वन वन, कोई वैल्यू देखो इस बीच में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। फिर से बोल रहा हूँ रिपीट होने का मतलब क्या है, तो पहले अगर पूरा ग्राफ हमारा था तो पाई बाई टू पे वन आ रहा है, वैसे ही माइनस थ्री पाई बाई टू पे वन आ रहा है, तो दो पे सेम आंसर आ रहा है, तो ऐसा ऐसा इनफाइनाइट होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिए थे, वन वन नहीं है मेनी वन है। लेकिन अगर हम लोग बाकी सब को इरेज कर दें, सिर्फ ये सेक्शन हम लें, ये वाला, ये सबको अगर हटा दें, सबको हटा दो, बस इतना ले लेते हैं, तो इतने में देखो ऑन्टो तो है भाई पहले से, बता वन वन भी, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो माइनस वन आ रहा है आंसर, माइनस वन किसी और पे नहीं आ रहा, वन किसी और पे नहीं आ रहा, मान लो ये इतने इस एंगल पे ये जो आंसर है, या पाई बाई फोर पे ये जो आंसर है, ये दोबारा किसी में रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग इन्वर्टिबल बना लेते हैं। कैसे बनाए इन्वर्टिबल, कोई एक इंटरवल हम लोग ले लिए, सेक्शन बोल रहा हूँ, इंटरवल हम लोग ले लिए, कोई भी एक इंटरवल रख लिए हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब इंटरवल ले लिए हैं तो तुम लोग बोलेंगे सर पाई बाई माइनस पाई बाई टू से आप पाई बाई टू लिए, कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू भी ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो बना रहे हैं उसमें शुरू से एक स्टैंडर्ड इसी को ले लिए, और इसी को प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी बोलते हैं। देखना एक एनसीईआरटी में टेबल बनाया है, डोमेन लिखा है, रेंज लिखा है, उस रेंज क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, जिसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल रहेगा, ठीक है। तो इसमें इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है इसमें। अब देखते हैं आगे, इनवर्स का बनाते हैं, इनवर्स का डायग्राम मैं एक बनाऊंगा, बाकी सब तुम लोग बनाओगे, ये हो गया। अब देखो y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x, सब लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, अब देखो डोमेन क्या है, यहां पे आप डोमेन देखो x दोनों जगह सेम है, लेकिन यहां पे x एंगल था, लेकिन अब यहां पे x एंगल नहीं रहा, ठीक है, यहां पे x एंगल नहीं है, x क्या है यहां पे, x यहां पे ये रेंज है, मतलब पहले जो रेंज था अब वो डोमेन बन गया। तो यहां डोमेन क्या होगा, माइनस वन से वन,
और रेंज क्या होगा? माइनस वन से वन डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा? रेंज मतलब साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स देखो एक चीज समझो, वाई बराबर साइन एक्स, तो y आंसर है मतलब 1 या माइनस 1 या उसके बीच में आएगा, लेकिन x क्या है? x यहां पे एंगल है, और ये क्या है? आंसर मतलब माइनस 1 से 1, ये क्या है? रेंज है, और ये क्या है? डोमेन है। अब अगर हम लोग इसको उलट दें, y बराबर साइन इनवर्स एक्स लिखो, तो वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो ये वाई क्या है? ये वाई एंगल है, क्योंकि साइन इनवर्स के साथ तो तुम एंगल नहीं रखोगे। अगर यहां पे अगर हम लोग उलट दें, मान लीजिए यहां पे आइए, इनवर्स को अगर इधर, साइन को इधर भेज दे, तो साइन इनवर्स वाई इजिकल्स टू एक्स होगा, साइन इनवर्स वाई इजिकल्स टू एक्स। तो यहां पे x क्या था? एंगल। x अभी भी एंगल है, समझ आ रहा? x एंगल था, अभी भी एंगल है। वैसे ही मतलब इनवर्स के साथ जो है वो एंगल नहीं रहेगा, ठीक है? इसी को सेम मैंने उलट के लिखा है कि साइन इनवर्स, साइन को इधर ले आए हैं तो साइन साइन इनवर्स y बन गया इज इक्वल टू x, अभी भी सेम है, x एंगल ही है यहां, ठीक है? और y क्या है? y रेंज है, आंसर है हमारा। ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि जो इनवर्स के साथ है वो एंगल नहीं है, एंगल नहीं है तो क्या है बचा? आंसर, वो आंसर है, ठीक है? समझ गए लोग? अब चलो, हाँ ये क्या है? एंगल नहीं है, एंगल ये है। तो रेंज क्या होगा? डोमेन देख लीजिए, आंसर तो माइनस वन वन आएगा, तो रेंज क्या होगा? रेंज होगा क्या? आप एनी रियल नंबर लिख दें? नहीं, जो इनवर्टिबल है जिसमें वही लिखेंगे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, पीबीवी, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, बोल ही दे रहे, वीडियो देख रहे हो तुम लोग, ठीक है? ये समझ आया? साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स जब रहता है तो एक्स एंगल रहता है, साइन इनवर्स एक्स में एक्स एंगल नहीं है, एंगल नहीं है तो क्या है? ये जो हमारा माइनस वन और वन होता है, आंसर हमारा वो है। देखो यहाँ रेंज, पहले जो रेंज था अब डोमेन हो गया इनवर्टिबल, तो इसी रेंज में, इसी रेंज में प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में ही इनवर्टिबल रहेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह अगर हम देखें कि वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो हम y बराबर साइन x देखें तो हम इसको लिख दिए कि साइन इनवर्स y बराबर x, ठीक है? ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स y बराबर x नहीं लिखेंगे, इस चीज को याद रखना। कब लिखेंगे? जब इनवर्टिबल रहेगा। इनवर्टिबल का पहचान क्या है? तो इस रेंज में अगर रहे, ये रेंज तो इनवर्टिबल है, सिंपल। खाली यही रेंज नहीं हो सकता है, हम लोग जो ग्राफ बनाए थे साइन का कुछ ऐसा बना था, तो हम लोग यहां से यहां ले लिए थे इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, वो इधर भी जा सकता है, ये भी सेक्शन हो सकता है, ये भी इंटरवल हो सकता है, ये आगे वाला भी इंटरवल हो सकता है, बस देखना है रिपीट नहीं हो। इनवर्टिबल तो ये बहुत सारा हो सकता है, जब कुछ नहीं बोले, अब बोल दे इनवर्टिबल है तो हमको क्या लेना है? तुम लोग बोलोगे सर इनफाइनाइट मेनी इसमें वो है, क्या बोलते हैं, सेट है, कहां से कहां लेना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ऐसे ही पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू हो सकता है, थ्री पाई बाई टू से टू पाई हो सकता है, टू पाई से आगे हो सकता है, ऐसे सेक्शन अलग अलग सेक्शन बांटोगे तो इनफाइनाइट मेनी सेक्शन बढ़ सकता है। कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग को ये वाला लेना है प्रिंसिपल वैल्यू, और कुछ बोल देगा तब तो ठीक ही है, देख लेना ग्राफ में। अब हम लोग इनवर्स का ग्राफ बना लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो यहां पे डोमेन क्या है, एक्स
माइनस वन वन, पहले डोमेन था कोई भी रियल नंबर, एंगल रखना था डोमेन में, अब डोमेन में एंगल नहीं है, अब रेंज में एंगल है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएं, एक एक्सिस यहां ले लो और एक एक्सिस यहां ले लो, ठीक है। अब इनवर्स बनाने का कोशिश करो, किस टाइप से बनाओगे इनवर्स, एंगल कहां लोगे, किस पे एंगल लोगे। तो एंगल अब हम लोग इस पे ले लेते हैं, ठीक है, वाई एंगल है ना, और वाई को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो यहाँ वाई एक्सिस पर रहेंगे, ये एक्स एंगल क्या है पाई बाई टू, और इधर माइनस पाई बाई टू, और इधर तो पता है हमको माइनस वन, और इधर भी पता है वन, इतना ही लेना है। ये क्या है हमारा डोमेन है, और ये क्या है रेंज है, ठीक। तो अब चला जाए, अगर साइन इनवर्स एक्स के जगह पे जीरो रख दे तो वाई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक्स की जगह पे हम वन रख दे, एक्स की जगह पे वन रख दे, तो वन कितने का, देखो कैसे प्रोसेस करेंगे, साइन इनवर्स वन, तो हम लोग बोलेंगे कि साइन इनवर्स वन, अच्छा साइन वन कितना होता है, साइन पाई बाई टू, तो ये कितना बचेगा पाई बाई टू, तो वन पे कितना आया पाई बाई टू, फिर माइनस वन पे माइनस पाई बाई टू आएगा। अब इस ग्राफ को मिलाएंगे कैसे हम लोग, ये सोचना है। तो देखो एक टेक्निक, मैं टेक्निक से बनाता हूं, क्या टेक्निक लगाता हूं, कि ये हमारा बाउंड्री है, हम इस बाउंड्री से पार नहीं जा सकते, इसको क्रॉस करके नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि वन से बड़ा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, और माइनस वन से छोटा नहीं हो सकता है, तो मतलब लाइन ऐसा क्रॉस नहीं करेगा, तो कर्व हमारा ऐसा नहीं मुड़ने वाला, कैसा होगा ये, समझ आ गया। बहुत लोग बोलेंगे सर कर्व को ऐसा भी तो ले सकते थे, यहां से ऐसा नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा ले रहे हैं कर्व को, इसका मतलब ये लाइन कहीं आगे एंगल पे क्रॉस करके ऐसा जा सकता है, जो कि गलत है, आंसर वो नहीं हो, वन से ज्यादा आंसर होता ही नहीं है साइन का, ये जो डोमेन है वन से ज्यादा होता ही नहीं है, और माइनस वन से कम होता ही नहीं है, इसीलिए ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। वैसे ही बना लोगे लोग कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉट का बना लोगे, टैन का बना लोगे, कोसेक का बना लोगे ग्राफ, और बाकी नहीं बना रहा हूं, या एक काम करते हैं कुछ टैन वैन का बना के देख लेते हैं, टैन इनवर्स एक्स का। सब में हम लोग को रेंज पता रहना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लेंगे, जैसे देखो नॉर्मल में जो रेंज है हमारा वो अलग होता है, ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल यहाँ रेंज का बात करें तो जो इसका डोमेन था वही रेंज बन गया है ना, तो क्या था पूरा रियल नंबर था, लेकिन अब यहां पे नहीं है, क्योंकि इसी में मतलब इसी इंटरवल में ये वन वन और ऑन टू है, और ऐसा ऐसा बहुत इनफाइनाइट मेनी इंटरवल है, सबको हम नहीं ले सकते, हमको सिर्फ वो इंटरवल चाहिए जिसमें के वो वन वन ऑन टू है, तभी वो इनवर्टिबल रहेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, जैसे एक तुम लोग को टैन का बना के दिखा देता हूं, टैन इनवर्स का, तो टैन इनवर्स का बनाने से पहले तुम लोग को टैन का ग्राफ याद करना पड़ेगा, कि याद करो 11th में क्या बनाए थे, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू टैन एक्स, y इज इक्वल टू टैन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए। तो टैन कहां से कहां होता है, टैन रेंज तो कोई भी रियल नंबर होगा, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। डोमेन में क्या रख सकते हैं हम लोग, डोमेन में तो किसी में भी कोई रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन रुको, कोई भी रियल नंबर तो रख सकते हो तुम लोग, लेकिन यहां पे एक चीज समझो कि tan x बराबर क्या होता है, sin x by cos x, cos x जो है इसमें कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, cos x जीरो किस कंडीशन में होता है, जब cos pi by 2 का मल्टीपल रहता है, ठीक है, तो माइनस क्या कर देते हैं,
पाई बाई टू का मल्टीपल मतलब 2n-1, पाई बाई टू। बस इसमें से रियल नंबर में से जितना 2n π/2-1 इंटीजर रख रहे हो कि क्या रख रहे हो उसको डिपेंड करते हैं। 2n-plus रखो, ऑड नंबर। 2n+1 π/2 रियल नंबर में से माइनस कर लो इसको, ठीक है। मतलब जो भी पाई बाई टू का मल्टीपल होगा उसको हम रियल नंबर में से माइनस कर लें, क्योंकि हर उस मल्टीपल पे कॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन जो है टेन एक्स वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये हम लोग लिखते हैं। तो ये डोमेन है, ठीक। अब इसका ग्राफ बनाया जाए, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं इसका हम लोग देखो। ये x, ये y, x यहां पे भी क्या है एंगल, क्योंकि tan के साथ, और tan इनवर्स के साथ रहेगा तो एंगल नहीं है फिर वो, ठीक है। इसमें लिखा जाए पाई बाई फोर, पाई बाई टू, और ये पाई बाई टू जो भी थोड़ा दूर जाए थ्री पाई बाई टू लिख दो, इधर में माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। यहाँ वन, यहाँ माइनस वन, टेन जीरो जीरो होता है, ठीक है। टेन पाई बाई फोर वन होता है, इसीलिए पाई बाई फोर इसमें लिखा था मैंने। टेन माइनस पाई बाई फोर माइनस वन होता है। अच्छा, टेन पाई बाई टू कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है भाई। अब हम ग्राफ में नॉट डिफाइंड को कैसे अब हम लोग दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे नॉट डिफाइंड को? तो भाई टेक्निक, यहां पे एक बाउंड्री बना लो, बाउंड्री बनाओ पाई बाई टू पे टेन नॉट डिफाइंड होता है, माइनस पाई बाई टू पे भी नॉट डिफाइंड, माइनस इंफिनिटी। तो अब फिर बता रहा हूं इसके बाद ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, तो इसको क्रॉस करके वो नहीं जा सकते, इस लाइन को तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, उस पर क्रॉस ही नहीं करे, क्योंकि जैसे ही ये कर्व जाके इसको क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि पाई बाई टू पे वैल्यू मिल गई। हालांकि पाई बाई टू पे वैल्यू हमको नहीं पता है, नॉट डिफाइंड है, समझो बात को। तो इसीलिए ग्राफ हमारा कभी भी इसको ऐसा काट के नहीं जाएगा, मतलब अगर मैं यहां से उठा दूं ऐसा नहीं ले जा सकता हूं, क्योंकि ये पाई बाई टू को इंटरसेक्ट कर दे रहा है और यहां पे आंसर मिल जाएगा। इंटरसेक्ट करना ही नहीं है इस कर्व को इसको, क्योंकि नॉट डिफाइंड है पाई बाई टू पे। तो हम लोग कैसा कर्व बनाएंगे, ऐसा टाइप से, ये इसमें सटेगा नहीं, साइड से निकल जाएगा ये ऐसा, ठीक है। सेम वैसे ही इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इस टाइप से बनते जाता है, देख लेना। तो अब इसमें भी हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू सेलेक्ट करना, वाई बराबर क्या, टेन इनवर्स एक्स। यहां भी वन वन ऑन टू कहां है, सिर्फ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है, इतने में ही होगा, इतने में, ठीक है। तो डोमेन क्या है, डोमेन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना डोमेन, हाँ डोमेन तो भाई कुछ भी हो सकता है सारा। ये देखो इधर चला गया माइनस इंफिनिटी तक, ये चला गया प्लस इंफिनिटी तक, डोमेन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, डोमेन मतलब समझ रहे हो ना, एक्स की जो वैल्यू पुट होगी, और एक्स यहाँ एंगल नहीं है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और रेंज क्या है, या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, रेंज इसका कहाँ से कहाँ होगा, तो हम लोग इसमें भी इंटरवल लिए हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, ये वन वन और ऑन टू है, रिपीट नहीं हो रहा, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अच्छा, अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि पाई बाई टू पे नॉट डिफाइंड है, तो क्या यूज होगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना दो, ये हमारा x है, ये हमारा y है। अच्छा, y यहां क्या है, एंगल है, तो एंगल इस पे लिख लिया जाए पाई बाई टू, इधर माइनस पाई बाई टू, यहां बीच में पाई बाई फोर, यहां माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। अब रखा जाए यहां, इसको मैं डाल देता हूं,
सारा ग्राफ बना के देखोगे लोग, जो ग्राफ नहीं बनेगा बताओगे, उसमें मैं हेल्प करूंगा तुम लोग का, ठीक है। तो और इधर क्या ले लिया जाए, यहां ले लो वन, ले लो यहां, ले लो -1, ठीक। अब यहां भी हम लोग को बाउंड्री बनाना पड़ेगा, क्या बाउंड्री बनाना है, पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू को कभी क्रॉस नहीं कर सकता है, ये चीज ध्यान में रखना होगा, जो हमारे ये पाई बाई टू है इसको, ये कर्व हमारा क्रॉस नहीं करेगा, तो यहाँ बाउंड्री बना लिया जाए कि भाई इसको क्रॉस नहीं करना है, माइनस पाई बाई टू को भी नहीं क्रॉस करेगा, इधर नेगेटिव में इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं, जीरो पे जीरो, फिर अगर यहाँ पाई बाई फोर रख दो, बोलने का मतलब मेरा वाई बराबर, नहीं पाई बाई फोर क्यों रखोगे, एक्स एंगल थोड़ी वन रख दो, टेन इनवर्स वन, तो वन कितने की वैल्यू होती है, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, टेन टेन गया ये कितना हो जाएगा पाई बाई फोर, ऐसा वाला कैंसिल नहीं हो जाता है ना, तो वन पे पाई बाई फोर, वैसे -1 पे -π/4। अब जो हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा नहीं बनाएंगे कि इसको क्रॉस करके चले जाए, किस टाइप का होगा, ऐसा ऐसा, ये इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। इतना जो भी समझाया गया है बस इसलिए किया गया है कि देखो साइन कॉस टेन ये सब इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि ऑन्टो तो है लेकिन वन वन नहीं, मेनी वन है, तो उसको हम लोग इन्वर्टिबल बनाते हैं, बहुत सारा रेंज होता है, जैसे -π/2 है, फिर आगे होगा -π/2 से π/2 है, फिर π/2 से आगे होगा, तो वैसे ही बहुत सारा हो सकता है, बहुत इनफाइनाइट में नहीं हो सकता है वो इंटरवल जिसको हम ले, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड यही लेते हैं -π/2 से π/2 को, समझ आ रहा है, स्टैंडर्ड यही लेते हैं, इसीलिए तो सबका ग्राफ तुम लोगों को बनाना है। कितने मिनट हो गए, 27 मिनट हो गए, ठीक। और कौन सा बता दिया जाए तुम लोग को, कॉस का भी बता ही देते हैं यार, कॉस का भी देख लो, देखो चेंज क्या आ रहा है, जो भी बदलाव कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में हो रहा है, बाकी सब तो सेम है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हम किस लिए ले रहे हैं कि इन्वर्टिबल बना रहे हैं, मतलब एक हम पार्ट उसका एक इंटरवल उठा ली कि भाई साहब इस इंटरवल में तो ये दिख रहा है इन्वर्टिबल, तो इसीलिए हम लोग वो चेंज, जैसे वाई बराबर कॉस एक्स, तो डोमेन अगेन रियल नंबर, एक्स की वैल्यू कोई भी एंगल कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। और रेंज ये नॉर्मल 11th वाला है ये, रेंज क्या होगा, तो इसका भी -1 से 1 होगा, इसका ग्राफ बनाया जाए, छोटा सा ही ग्राफ बनाते हैं, वन -1, तो कॉस जीरो, अब हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो एक्स की जगह पे जीरो रखो, ये एक्स है ये वाई, एक्स की जगह जीरो रखे तो कॉस जीरो कितना आ जाएगा, जीरो पे वन आ रहा है, एक पॉइंट ये मिला हमको, इधर एंगल रख लो -π/2, इधर रख लो π/2, इधर रख लो पाई, इधर रख लो 3π/2, इधर रख लो 2π, इंफिनिटी तक जाएगा, वैसा ही यहां रख लो -π -3π/2, चलो एक पॉइंट ये मिल गया। अब कॉस पाई बाई टू भी कितना होता है, एक्स पाई बाई टू रखेंगे इसमें तो वाई जीरो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखा जाए, -π/2 रखेंगे कॉस में तो कितना होगा, -π/2 पे कितना होता है, -1 होगा, कॉस -π/2, -1 क्यों होगा, कॉस π/2 जीरो, तो ये भी जीरो, एक पॉइंट यहां मिल गया हम लोग को, ठीक है। पाई पे कितना होता है, कॉस -1 होता है, कॉस पाई -1, फिर 3π/2, पाई बाई टू का मल्टीपल है, इस पे जीरो और फिर इस पे हो जाएगा 1, तो वैसे ही -π पे कितना होगा, -π पे कितना होगा, पाई बाई टू पे जीरो, -π पे कितना होगा, -1,
क्योंकि देखो इसलिए बोल रहे हैं कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। तो कॉस पाई पे जब माइनस वन था तो कॉस माइनस पाई भी तो माइनस ही वन होगा। ये यहां रखो फिर ये जीरो, अब इसको मिला दो ऐसे, ऐसा टाइप से जाएगा, ऐसा टाइप से। अब ये भी वन वन है, ये भी वन वन है लेकिन ऑन्टो नहीं है, नहीं वन वन नहीं है ना, ऑन्टो है लेकिन वन वन नहीं है, मिनी वन है। जैसे देखो जीरो ही ये वन आंसर आ रहा है सपोज, तो जीरो पे भी वन आ रहा है और टू पाई पे भी वन आ रहा है, तो इसीलिए ये ऑन्टो नहीं है, वन वन नहीं है, मिनी वन है, ऑन्टो दोनों होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेंज ले लेते हैं। तो जैसे पिछले बार हम लोग क्या लिए थे साइन में और टेन में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो अगर यहां भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ले लेंगे तो ऑन्टो तो रहेगा लेकिन वन वन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वन वन, तो देखो जैसे ये इस एंगल पे ये आंसर आया, इस एंगल पे ये पॉइंट है मतलब ये आंसर, तो यही सेम आंसर इधर के लिए भी तो आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस पाई बाई टू के लिए जीरो आ गया तो पाई बाई टू के लिए भी जीरो आ गया, तो भी मेनी वन है। तो कुछ ऐसा हमको ढूंढना है जिसमें रिपीट नहीं हो, कुछ ऐसा इंटरवल ढूंढो जिसमें रिपीट नहीं हो। जैसे मेरे को एक इंटरवल दिख रहा है यहां से यहां, ये देखो ऑन्टो तो है ही है ये, और अगर सिर्फ इतना इंटरवल लेंगे तो वन वन भी होगा। कहां से कहां, जीरो से पाई, फिर पाई से टू पाई, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा इंटरवल होगा। हम लोग क्या लेते हैं, जीरो से पाई लेते हैं। अब क्या बनाना है, वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन, डोमेन क्या होगा, अब देखो डोमेन माने एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे एक्स तो एंगल नहीं, इनवर्स के साथ है तो एंगल नहीं, तो ये क्या है माइनस वन वन, और रेंज, रेंज अभी हम लोग बात किए हैं जीरो से पाई, जीरो से पाई क्लोज इंटरवल। जीरो से पाई क्यों लिए हैं समझ आया ना, हमको ऐसा इंटरवल लेना है कि वो वन वन भी रहे और ऑन्टो भी रहे, ऐसा इंटरवल लेना है जो वन वन भी रहे ऑन्टो भी रहे, क्योंकि वन वन और ऑन्टो दोनों रहेगा तभी इन्वर्टिबल होगा। देखो यहाँ ये रेंज बदल गया, जीरो से पाई हो गया, साइन में क्या था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, टेन में क्या था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, यहाँ बदल गया इसीलिए मैंने इसको बना दिया। तीन हो गया अपना, तीन तुम लोग खुद से बनाओ, और नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना या कमेंट कर देना। तो अब इसका बनाया जाए, y x, y एंगल, तो एंगल यहां दे दो पाई बाई टू और यहां दे दो माइनस पाई बाई टू, वैल्यू यहां पे माइनस वन और यहां पे वन, ठीक है। तो अब जब हम लोग जीरो रखेंगे cos इनवर्स जीरो, x के जगह जीरो रख दो तो cos इनवर्स जीरो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स जीरो, cos जीरो का होता है cos इनवर्स cos पाई बाई टू, तो कुछ गलत हो रहा है क्या, x जीरो रख रहे हैं तो कितना आ रहा है पाई बाई टू आ रहा है, ये पाई बाई टू। एंगल थोड़ा सा और इसको ऊपर बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को पाई तक जाना है, जीरो से पाई, माइनस पाई बाई टू का तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो एक पॉइंट ये मिला, ये मिल गया पाई बाई टू। दूसरा कॉस इनवर्स, अब एक्स के जगह पे हम लोग जीरो रख लिए पाई बाई, अच्छा हाँ जीरो रखे ना, एक्स क्या है एंगल नहीं है, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, एक्स एंगल नहीं है, ये वैल्यू जीरो रखें, अब वन रखो एक बार, वन वन कब होता है तो कॉस इनवर्स वन कब होता है, कॉस जीरो पे, तो कॉस इनवर्स वन, वन रखने में कितना आ जा रहा है जीरो, तो वन पे आ गया ये जीरो, ठीक है।
कॉस इनवर्स माइनस वन, माइनस वन किस पे होता है, कॉस इनवर्स कॉस पाई पे होता है, पाई थ्री के आगे पाई, तो माइनस वन पे कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, माइनस वन पे पाई, वन पे जीरो। अब इसको कैसे मिलाएंगे, किस टाइप से कर्व को मिलाया जाए, माइनस वन देखो, फिर यही दिमाग लगाओ, ये हमारा ये रहा बाउंड्री, ये रहा बाउंड्री, इस बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि कॉस माइनस वन और वन से बाहर नहीं हो सकता है, तो कभी भी हमारा कर्व ऐसा घुमा हुआ नहीं होगी, इस क्रॉस करके चला जाए, कैसा होगा, ऐसा होगा, इसको क्रॉस करके नहीं जाएगा, थोड़ा सा फॉर टाइप का बन गया, ठीक है। अब ये सबको ध्यान से पढ़ोगे, इसमें बहुत सारा चीज तुम लोग को इम्पोर्टेंट मिलेगा। तो समझाने का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट कहीं पे भी नहीं लिख देंगे, जैसे होता है ना कि कॉस इनवर्स कॉस वाई, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कॉस कॉस गया वाई बचा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, ऐसा तभी होगा जब इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू रहेगा तब इन्वर्टिबल रहेगा, ठीक है। अब एक चीज और लास्ट में जाते जाते समझ लो कि कॉस एक्स का पूरे का इनवर्स, ठीक है, क्या होगा, वन बाय कॉस एक्स, कॉस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू कॉस एक्स पूरे का इनवर्स नहीं है, नॉट इक्वल, ये चीज याद रखना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का फॉर्मूला वगैरह देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।